है, इसका डिटेल हम लेते हैं वरुण से। वरुण बताइए क्या कह रही हैं ब्रोकरेजेस। देखिए ब्रोकरेज हाउसेस को नतीजे तो पसंद आए और करीब 3 ब्रोकरेज हाउस में देख रहा था जिन्होंने अपने प्राइस टारगेट बढ़ाए हैं, क्रेडिट स्विस, मैक्वेरी और प्रभुदास क्रियादर, लेकिन गोल्डमैन ने प्राइस टारगेट काटा है। मैं बताता हूँ आपको ब्रोकरेज हाउस क्या कह रही है। दरअसल ये कह रहे हैं कि जो स्टोर एडिशन है वो काफी स्ट्रांग था, वो इनको काफी पसंद आ रहा है। जो ज्वेलरी सेगमेंट है वहां कंपनी ने अपनी जो गाइडेंस है उसको अभी भी बरकरार रखा है Q4 के लिए, ये एक अच्छा है। और FY20 में ज्वेलरी सेगमेंट में 18-19% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान जो है वो ब्रोकरेज हाउसेस लगा रहे हैं। और ज्वेलरी सेगमेंट में ये कंपनी जो है वो लगातार मार्केट शेयर गेन कर रही है और आगे भी मार्केट शेयर गेन करते जाएगी, तो ये काफी अच्छी बातें हैं जो ब्रोकरेज हाउसेस ने कही है। लेकिन दिक्कत कहाँ है, तो दिक्कत ये है कि बाकी कारोबार जो है वो थोड़े ठंडे पड़े, जिसके कारण लोगों ने अपने जो EPS एस्टीमेट है, रेवेन्यू गाइडेंस का एस्टीमेट है जो, उसको कम किया है कहीं ना कहीं, और वैल्यूएशंस लोगों को थोड़े महंगे लगते हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं गोल्डमैन सैक्स जैसी कंपनी है जिन्होंने अपना प्राइस टारगेट काटा है, लेकिन क्रेडिट स्विस, मैक्वेरी, प्रभुदास क्रियादर ने प्राइस टारगेट बढ़ाया है। वहीं UBS 1525 का प्राइस टारगेट दे रहा है, मॉर्गन स्टैनली 1240 का टारगेट दे रहा है। तो काफी सारे ब्रोकरेज अगर आप देखें तो या तो प्राइस टारगेट जस के तस रखे या तो उन्होंने मामूली से बढ़ाया है। जी हाँ, टारगेट में सबसे पहले तो CLSA की बात करता हूँ जिसने अपने प्राइस टारगेट बढ़ा दिया है 565 से बढ़ा के अब 600 रुपए का प्राइस टारगेट दे रहे हैं। क्रेडिट स्विस भी 600 का प्राइस टारगेट दे रहा है, मॉर्गन स्टैनली 530 का प्राइस टारगेट दे रहा है। सबके सब या तो खरीदारी की सलाह दे रहा है या ओवर वेट है इस काउंटर पे। अब ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि रेवेन्यू एबिटा इन लाइन थे और खासकर जो इंडिया का बिजनेस है वहां प्रदर्शन काफी बेहतर देखने मिला, जहां पे मार्जिन में अच्छा खासा सुधार देखने मिला है। जो टैरिफ हाइक कंपनी ने लिए थे उसका भरपूर फायदा मिला है और यहाँ जो 4G रैंप अप इस कंपनी ने किया है वो काबिले तारीफ है। आगपुर जो है उसमें एक पॉजिटिव सरप्राइज ब्रोकरेज हाउस को देखने मिला है, इसके लिए इन्होंने अपने जो एस्टीमेट्स है उसको 1-7% तक बढ़ा दिया है। और ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि FY20 से 22 तक आपको 26% के दर से एबिटा जो है इस कंपनी का बढ़ते हुए दिखाई देगा। इसके लिए इस तरह के बुलिश कॉल्स जो है इस नतीजों के बाद भारतीय एयरटेल पे आते हुए। आशीष कितना चलेगा भारतीय? 473 का क्या है बेसिकली उनका ये कहना है कि जो Q3 के नंबर से इन लाइन थे और ग्रॉस मार्जिन जो है वो दरअसल 3 साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि इस कंपनी ने काफी सारे कॉस्ट कंट्रोल किए और जो रॉ मटेरियल कीमतें हैं वो कम हो रही है, उसका बड़ा फायदा जो इस कंपनी को मिला। इसके लिए प्रभुदास क्रियादर इस काउंटर पे अपना प्राइस टारगेट बढ़ा रहा है, लेकिन मॉर्गन स्टैनली अभी भी अंडर वेट है, 326 के प्राइस टारगेट दे रहा है। नतीजे इनको भी अच्छे लगे, खासकर जो मार्जिन है इनको भी काफी अच्छे लगे, लेकिन ये अंडरवेट इसके लिए है क्योंकि जो BS4 से BS6 का ट्रांजिशन हो रहा है उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं कंपनी के मार्जिन पे देखने मिलेगा। साथ ही साथ नाइजीरिया में जो स्लोडाउन है वो भी शायद इस कंपनी के लिए दिक्कत हो सकता है, इसके लिए अंडरवेट है। नतीजे इनको भी पसंद आए हैं। ओके, तो नतीजे